ऑपरेशन नेस्त नाबूद के तहत अवैध निर्माण पर की गई कार्यवाही। उत्तर प्रदेश सरकार का ऑपरेशन नेस्त नाबूद लगातार जारी है, जिसके तहत प्रयागराज में अतीक अहमद, विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा, अशोक यादव, बच्चा पासी सहित 2 दर्जन माफिया और हिस्ट्री सीटर के अवैध निर्माण को पीडीए ने ध्वस्त किया है। आज इसी कड़ी में प्रयागराज के झूसी थाने के हिस्ट्री सीटर छुट्टन गिरी के 500 वर्ग गज में बने अवैध निर्माण को 4 JCB लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। छुट्टन गिरी हार्ड कोर क्रिमिनल है। इसके ऊपर हत्या के प्रयास, बलवा रंगदारी सहित 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इस वक्त वो जेल में बंद है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए जिला क्राइम ब्यूरो रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। की जा रही है, किसके खिलाफ की जा रही है और क्या है पूरा इसके ऊपर, किस तरीके के आरोप है और जो कार्रवाई की जा रही किस तरीके की? ये राज्य सरकार का पॉलिसी निर्णय है पूरे प्रदेश के लिए कि समस्त अपराधियों, गैंगस्टर्स, हिस्ट्री शीटर जो उसका कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके क्रम में आज जनपद प्रयागराज में कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी छुट्टन गिरी का 2 फ्लोर का अवैध कंस्ट्रक्शन है, प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग गज है। ये थाना झूसी का हिस्ट्री शीटर है, वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। इसको पूरा डिमोलिश करवा रहे हैं हम लोग। इसके उपरांत इनका विरोधी है, राइवल ग्रुप है ऋषि भारतीय, उसके द्वारा भी एक अवैध रूप से मार्केट का निर्माण किया गया है। 10 से 15 दुकानें उसमें निर्मित है, उसको भी आज ही पूरा डिमोलिश करवा दिया जाएगा। इसके उपरांत कितना एरिया है सर? इसका प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग है, 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है। नक्शा नहीं पास है? जी हाँ, इन दोनों ही का नहीं पास है। उसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया, जिसके क्रम में आज दोनों कार्रवाइयाँ डिमोलिशन की जा रही है।